हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर चैनल बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में किस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है एसोसिएटेड फॉरेस्ट रिसोर्सेज को लेकर अगर डिफॉरेस्टेशन बढ़ गया तो और उसी के साथ साथ हमने उनके सोल्यूशन जो है वो भी देख लिए थे आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों वो होगा हमारा एनर्जी रिसोर्सेज एनर्जी यानी कि ऊर्जा जो हम हिंदी में जानते हैं ऊर्जा अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए द स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी हैज़ अंडरगॉन रेडिकल चेंजेस अब इसका जो प्रोडक्शन है जिस ले, जितने लेवल पे इसको प्रोड्यूस किया गया है एनर्जी को और जितना उसका यूज़ किया गया है हैज़ अंडरगॉन रेडिकल चेंजेस विथ द डेवलपमेंट ऑफ़ सिविलाइजेशन तो इंसान ने इसका प्रोडक्शन इसका यूज़ जो है जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ता गया ग्रोथ बढ़ती गई उस हिसाब से इसके यूज़ और प्रोडक्शन कैपेसिटी में भी चेंजेस आने लग गए पहले पॉपुलेशन कम था यूटिलाइजेशन ज़्यादा नहीं था तो इसीलिए उसका यूसेज भी जो है वो कम हुआ करता था अब क्योंकि ह्यूमन की डिमांड्स जो है वो ज़्यादा बढ़ गई पॉपुलेशन बढ़ गई डिमांड बढ़ गई अल्टीमेटली उनके यूसेज में भी क्या होगा प्रोडक्शन और यूसेज में भी चेंजेस आ जाएंगे एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क बेसिकली हमने डेफिनेशन स्कूल में पढ़ा है एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू परफॉर्म अ सर्टन टास्क और एन एक्टिविटी एनर्जी ऑफॉर्ज इन वेरियस फॉर्म्स एंड कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर अब एनर्जी बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल होती है और कन्वर्ट की जा सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर बट द टोटल एनर्जी इन एनी एनर्जी कन्वर्जन ऑन ऑन प्रोसेस ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट दैट इज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड यानी कि जो टोटल एनर्जी किसी भी एनर्जी के अंदर अवेलेबल होती है ना तो वो किसी तरीके से क्रिएट की जा सकती है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है सो दैट इज वॉट वी नो अबाउट यूर एनर्जी रिसोर्सेस नो लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट आर दी प्रॉब्लम विच आर एसोसिएटेड विद एनर्जी रिसोर्सिस पहला है एनर्जी क्राइसिस द टर्म एनर्जी क्राइसिस जनरली रेफर्स टू शॉर्टेज ऑफ एनर्जी सप्लाई एनर्जी क्राइसिस का मतलब होता है एनर्जी का जो सप्लाई है उसके अंदर शॉर्टेज यानी कमी आ जाना डिप्लीटिंग स्टॉक ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हाउ एवर इज नॉट द ओनली रीजन डिप्लीटिंग स्टॉक यानी कि जो स्टॉक एनर्जी का धीरे धीरे खत्म हो रहा है सिर्फ वो ही एक सबसे बड़ा रीजन जो है वो नहीं है एनर्जी रिसोर्सेज के लिए हाउएवर इज नॉट द ओनली रीजन फॉर द शॉर्टेज सिर्फ यही एक रीजन नहीं है उसके शॉर्टेज के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी क्राइसिस इज कंसर्न विद पॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी सप्लाई एनर्जी सप्लाई के पॉलिटिक्स के साथ उसी के साथ साथ स्पेशली द इंक्रीज इन ऑयल प्राइजेस लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ एनर्जी अब क्योंकि ऑयल प्राइजेज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं तो एनर्जी का जो शॉर्टेज जिसकी वजह से क्या हो रहा है एनर्जी का शॉर्टेज होते जा रहा है इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज रिकवर क्विकली फ्राम दिस प्रॉब्लम बट द अंडर डेवलप कंट्रीज आर स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जिस जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ रहा है वो तो इन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं लेकिन जो अंडर डेवलप कंट्रीज है कहीं ना कहीं वो इन प्रॉब्लम से आज भी सफर जो है वो कर रहे हैं नेक्स्ट हाई रेट ऑफ कंजम्पन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज अब इसका रेट ऑफ कंजम्पशन यूटिलाईजेशन जो है वो बहुत ही फास्ट हो रहा है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है ह्यूज ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज जो है वो बढ़ रही है सेकेंडरी एंड टर्शरी यानी कि होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड और सर्विस सेक्टर एंड एनलार्जमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर हैज हाई रेट ऑफ कंजम्पशन तो बेसिकली क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ रहा है तो एनर्जी का कंजम्पन भी ज्यादा हो रहा है इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेस डिमांड फॉर एनर्जी रिजल्ट प्राइजेस ऑफ कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस अब क्यू डिमांड बढ़ती जा रही है तो क्या होगा जब डिमांड इंक्रीज होगी बच्चों तो इकोनॉमिक्स आ जाता है हमारा डिमांड बढ़ेगी तो हमारे प्राइस जो है वो भी बढ़ जाएंगे तो यहां पर डिमांड बढ़ रही है इसके लिए हमारे प्राइसेस जो है इन के एनर्जी रिसोर्स क्या हो रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ऑयल कोल और नेचुरल गैसेस की डिमांड ज्यादा है इसलिए उसके प्राइस में भी क्या है राइस हो जाता है मोर यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स

हाइड्रो पावर और बायोमास से आती है वल द शेयर ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी इज लेस देन वन परसेंट हमने बच्चों अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था हाइड्रो एनर्जी क्या होती है थर्मल एनर्जी क्या होती है विंड एनर्जी क्या होती है बावजूद इनके कि ये अवेलेबल है रिनीबल एनर्जी उसके बाद भी उसका परसेंटेज कितना है सिर्फ वन परसेंट है दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स अब ये चीज क्यों ऐसा हो रहा है क्यों इनका यूसेज सबसे कम हो रहा है हालांकि ये तो रिन्यूएबल हमने इसको बनाने की पूरी तरीके से कोशिश की है राय फिर भी क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो चीज़ें हम हमारे सहूलियत के हिसाब से बनाकर यूज़ कर सकते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को तो एक्सप्लॉइट कर देते हैं लेकिन जो मैनमेड रिसोर्सेज है उसके अंदर सही इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे अगर उसके अंदर सही इन्वेस्टमेंट करें तो कहीं ना कहीं क्या होगा हम अपने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनको हम लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज अब गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो भी काफी अनफेवरेबल है फॉर एक्जाम्पल एनर्जी क्राइसिस ऑकर्स ड्यू टू क्राइसिसमेंट एक्शन एनर्जी क्राइसिस क्यों होता है गवर्नमेंट एक्शन जो होते हैं उनकी वजह से जैसे कि टैक्सेस जो है उन्होंने बढ़ा दिया नेशनलाइजेशन ऑफ एनर्जी कंपनीज एंड रेगुलेशन ऑफ एनर्जी सेक्टर द क्राइसिस कैन डेवलप ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्शन लाइक यूनियन ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स तो बेसिकली क्योंकि गवर्नमेंट ने ही बहुत सारी चीज़ों में छूट देकर रखी जैसे टैक्सेस जो है वो हाइक करके रखे हैं नेशनलाइजेशन ऑफ एनर्जी कंपनीज़ यानी कि एनर्जी कंपनीज़ जो है उनको वो आज कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर्स के भी हाथ में चले गई है एंड रेगुलेशन ऑफ एनर्जी सेक्टर बेसिकली एनर्जी सेक्टर के लिए जो रेगुलेशंस जो रूल्स बनाए गए हैं कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी ज़्यादा अनफेवरेबल है जिसकी वजह से ये जो क्राइसिस है जो किस वजह से होते हैं इंडस्ट्रियल एक्शन्स की वजह से होते हैं जैसे यूनियन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स यूनियन ने अगर कोई स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कर दिया तो अल्टीमेटली दैट कैन लीड टू अज प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज कहीं ना कहीं अनफेवरेबल रही है नेक्स्ट है शॉर्टेज ड्यू टू एक्सीडेंट्स एंड वॉर्स अब इनकी जो कमी आती है एक्सीडेंट और वॉर्स की वजह से पाइपलाइन फेलियर्स एंड अदर एक्सीडेंट्स में कॉज माइनर इंटरप्शन टू एनर्जी सप्लाई कहीं ना कहीं एनर्जी जो सप्लाई हो रही है अगर पाइपलाइंस में किसी तरीके से लीकेज है या कोई फेलियर है एनर्जी का तो माइनर इंटरप्शन हो सकते हैं एनर्जी को सप्लाई करने के लिए अ क्राइसिस कुट पॉसिबली हैपन आफ्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर डैमेज फ्रॉम सीवियर वेदर और अटैक्स बाय टेररिस्ट अब क्राइसिस और भी किसी रीजन से आ सकता है एक तो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो गया उसके लिए या तो फिर सीवियर वेदर और अटैक्स बाय टेररिस्ट टेररिस्ट अटैक्स या वेदर कंडीशन की वजह से भी क्राइसिस जो है शॉर्टेज जो है वो एनर्जी में आ सकती है नेक्स्ट पॉइंट से इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी एनर्जी का बहुत ज्यादा वेस्ट होना तो किस तरीके से हम वेस्ट होते हैं लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस ड्यू टू इन एफिशियंट टेक्नोलॉजी सही टेक्नोलॉजी अगर हमने नहीं अप्लाई की है तो इन प्रॉपर प्लांट लोकेशन जो एनर्जी सप्लाई करने वाला प्लांट है उसकी लोकेशन सही नहीं है या फिर पूव मेंटेनेंस रहा होगा जो पाइपलाइंस हमने एनर्जी सप्लाई के लिए बनाई है उसका मेंटेनेंस जो है वो हमने ध्यान नहीं दिया इन डे टू डे लाइफ केयरलेसनेस एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींगस अब स्विचिंग ऑफ फैन ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक अपलायंसेजर यूज ऑल्सो वेस्ट एनर्जी रिसोर्सेस आज के जमाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है या सिर्फ बाहर के लोगों का नहीं है हमारा भी है क्योंकि हमारा बहुत ही केयरलेस एटीट्यूड है फैन ऑन है एसी ऑन है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घर में चालू है यूसेज नहीं हो रहा है जरूरत नहीं है फिर भी अननेसेसरी हमारे स्विचेस जो है वो ऑन होते हैं तो अल्टीमेटली ये भी तो एनर्जी को वेस्ट करना हो गया राइट right? नेक्स्ट अदर प्रॉब्लम्स द कॉज मे बी ओवर कंजम्पशन ऑफ एजिंग द कॉज मे बी तो रीजनस क्या हो सकते हैं और ओवर कंजम्पशन ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट रेस्ट्रिक्ट फ्यूल सप्लाई यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं बढ़ाए जा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए तो इससे फ्यूल का सप्लाई जो है वो रोका जाता है एन एमरजेंसी में एमोज ड्यूरिंग वेरी कोल्ड विंटर्स ड्यू टू इंक्रीज कंजम्पन ऑफ एनर्जी और कहीं ना कहीं विंटर में क्या होता है क्योंकि हमने ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर लिया है अदर रीजन्स में तो विंटर में कहीं ना कहीं क्या हो जाता है वेरी कोल्ड विंटर्स ड्यू टू इंक्रीज कन्जम्पन ऑफ एनर्जी तो एक एमरजेंसी आ सकती है क्योंकि एनर्जी कंजम्पन जो है वो ज़्यादा हो गया विंटर सीजन के अलावा अदर सीजन्स में सो दीज आर सम ऑफ दी प्रॉब्लम विच आर एसोसिएटेड विथ योर एनर्जी रिसोर्सेस अब देखते हैं किस तरीके से हम क्या बेसिकली uh, मेथड अप्लाई कर सकते हैं मेजर्स ले सकते हैं एनर्जी को प्रोटेक्ट करने सबसे पहला आता है बच्चों हमारा एनर्जी ऑडिट एनर्जी ऑडिट एक ऑफिशियल साइंटिफिक स्टडी है एनर्जी कंजम्पशन की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है प्लांट लेवल पे हो सकती है ताकि हम देखें कि रिडक्शन जो है एनर्जी कॉस्ट में आ सके और उसका कंजम्पशन विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी के हो यानी कि जितना यूज किया जा रहा है तो उसमें प्रोडक्टिविटी यानी टोटल आउटपुट पे किसी तरीका अगर आपको ज़रूरत है और आप एनर्जी यूज कर रहे हो कंप्लीटली फाइन लेकिन अननेसेसरी वेस्टेज को इसके अंदर हमको अवॉइड करना है अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड कम्फर्ट्स एंड सजेस्टिंग द मैथड्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन और इसी के साथ साथ जब हम ऑडिट करते हैं तो हम चेक करते हैं बेसिकली ऑडिट करना यानी कि चेक करना होता है पूरी तरीके से जो भी आपने बोला है जो भी कंजम्पन होना चाहिए जितना अलाउ किया गया है आप उतना ही यूज़ कर रहे हो या नहीं या फिर आपकी जितनी ज़रूरत है क्या आप उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो ओवर यूज़ कर रहे हो तो ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए जो है वो एनर्जी ऑडिट्स होते हैं एंड रिडक्शन इन एनर्जी कॉस्ट और इसी के साथ साथ एनर्जी कॉस्ट जो है जो आप खर्चा पे कर रहे हो एनर्जी के लिए वो भी क्या होने चाहिए रिड्यूस होने चाहिए एनर्जी ऑडिट शुड बी डन इन एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी तो ज़रूरी नहीं है कोई आप स्पेसिफिक सेक्टर में जाओ या इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही जाओ सेकेंडरी में ही जाओ आप टर्शरी में भी जाकर चेक कर सकते हो एनर्जी ऑडिट करके कि कितना ज़्यादा कंजम्पशन जो है वो हो रहा है नेक्स्ट है मोर यूज़ ऑफ़ रिन्यूएबल एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी का हो सके उतना ज़्यादा यूज़ किया जाए नॉन रिनी कि इन की लिमिट खत्म हो जाती है सो इट इज़ नेसेसरी टू सब्सिटीज एज फार एज पॉसिबल व जो कहीं भी सब्सटीट्यूट का ऑप्शन होता है अगर नेचुरल रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो जो हमारे रिनीबल रिसोर्स है जो हमने बनाए हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर इनको आप एज अ सब्सटीट्यूट एज एन ऑल्टरनेट ऑप्शन यूज़ कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए फॉर एक्जाम्पल यूज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वेरेवर पॉसिबल मस्ट बी गिवन प्रेफरेंस टू थर्मल इलेक्ट्रिसिटी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से ज्यादा हमको कौन सी इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस करना चाहिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो कि जनरेट होती है वाटर से बिकॉज द सोर्स ऑफ एनर्जी इज रनिंग वॉटर एंड नॉट कोल और ऑयल अब थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमको कोल और ऑयल लगता है ना तो कहीं ना कहीं ये रिसोर्सेस तो खत्म हो सकते हैं नॉन रिन्यूएबल है लेकिन हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है जिससे पावर जनरेट होता है दैट इज रिन्यूएबल उसमें हमको कोई वेस्टेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है इनफैक्ट वाटर रन हो रहा है यानी कि पानी का बहाव है तो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट हो रही है नेक्स्ट फॉर्मुलेट एनर्जी स्ट्रेटजी यानी एनर्जी के लिए स्ट्रेटजीज स्ट्रा, स्ट्रा, हमको बनानी चाहिए किस तरीके से उसको स्ट्रेटजीज को हम अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि उसका सप्लाई और उसका यूसेज जो है वो सही तरीके से हो सके इन ईच कंट्री हर एक कंट्री में नेशनल लेवल स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए हमको स्टेट लेवल या सिटी लेवल पे नहीं बनाना है जो भी स्ट्रेटजी बनानी है नेशनल लेवल स्ट्रैटेजीज शुड बी अडॉप्टेड टू इंश्योर एडिकुएट यानी कि सही और अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ यूजेबल एनर्जी जितनी एनर्जी यूज़ करने के लिए हम दे रहे हैं उनका कितना यूज होना चाहिए जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज होना चाहिए और एडिक्वेट सप्लाई यानी कि जितना ज़्यादा सप्लाई हम दे सकते हैं अपने कंज्यूमर्स को एनर्जी कंज्यूमर्स को उनको देना चाहिए टू वेरियस कंज्यूमर्स ऑन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेसिस कौन से बेसिस पर शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी हमको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर भी हमको स्ट्रैटेजी जो है वो फ्रेम करनी चाहिए दिस स्ट्रेटी कैन भीज फॉलोज कौन से कौन से बेसिस पर हम कैसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं बेसिकली रिड्यूज डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल्स इम्पोर्टेड फ्यूल्स जो है उसके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी हमको खत्म कर देनी है ग्रोथ ऑफ रिनीबल एनर्जी इंक्रीज करना चाहिए रीन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा यूज करें कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स बाय सब्सटीट्यूटिंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कोल और ऑयल का यूज नहीं करते हुए अगर हम कोई दूसरा सब्सटीट्यूट देख सकते हैं वो अप्लाई करना है रैशनल पॉलिसीज इन एनर्जी प्राइसिंग यानी कि जो एनर्जी के लिए प्राइजेस हम सेट करते हैं वो रैशनल होने चाहिए एनकरेजिंग एनर्जी कंजर्वेशन सो बेसिकली लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जगाओ कि क्यों एनर्जी कंजर्वेशन होना भी जरूरी है नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट एनर्जी सिम्युलेशन एनर्जी सिम्युलेशन इज अ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज बाय बिग कॉर्पोरेट्स एंड कॉर्पोरेशन टू रीडिजाइन बिल्डिंग यूनिट एंड रिड्यूस रनिंग बिजनेस एनर्जी तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमको बताता है कॉर्पोरेट्स को बताता है कि कैसे बिल्डिंग की रीडिजाइनिंग की जा सकती है बिजनेस यूनिट एंड रिड्यूस रनिंग बिजनेस एनर्जी कॉस्ट और किस तरीके से खर्चा जो है मतलब आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हो इस तरीके से बना रहे हो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बताता है कि बिजनेस का जो आपने स्ट्रक्चर फॉर्म करके रखा है किस तरीके से आप उसको सेट कर सकते हो ताकि एनर्जी कंजम्पशन जो है वहाँ पर ज्यादा ना हो और कैसे आप अपने खर्चे भी एनर्जी के ऊपर बचा सकते हो इंजीनियर्स आर्किटेक्स एंड डिज़ाइनर्स को डिज़ाइन टू कम विथ मोस्ट एनर्जी अफिशियट बिल्डिंग एंड रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स। तो इस तरीके से आपकी बिल्डिंग होना चाहिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कि आप एनर्जी अफिशियंट यानी कि ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करने वाली बिल्डिंग्स होनी चाहिए और कार्बन फुटप्रिंट यानि कि कार्बन जो हमारी बिजनेस की वजह से इन्फ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारे इन्वामेंट में रिलीज हो रहा है तो उसको किस तरीके से हमको रोकना चाहिए नेक्स्ट है अवेयरनेस ऑफ ऑन एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स तो एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो बनाए जाते हैं एनर्जी कितनी बचा सकते हैं आप तो ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करो रिप्लेस ट्रेडिशनल बल्ब विद सी एफ एल्स यानी कि जितने भी ट्रेडिशनल बल्ब हमारे पुराने बल्ब है जो हाई वोल्टेज बल्ब है उसको सी एफ एल और एल ई डी बल्ब से क्या करो रिप्लेस कर दो दे यूज़ लेस वोट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लास्ट लॉन्गर क्योंकि ये दोनों का जो वोल्टेज यूज़ होता है ना वो क्या होता है वो कम होता है ट्रेडिशनल बल्ब्स के कंपैरिजन में इनका जो वॉट्स होता है वो कम होता है और ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम नहीं करता है और ज़्यादा देर तक जो है वो चलता है इफ़ मिलियंस ऑफ़ पीपल यूज सी एफ एल्स एंड एल ई डीज फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल पर्पजेज द डिमांड फॉर एनर्जी कैन गो डाउन एंड एनर्जी क्राइसिस कैन बी प्रिवेंटेड अब क्या होगा अब ज्यादा से ज्यादा अगर डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यानी घरेलू पर्पज़ के लिए और कमर्शियल यानि बिजनेस पर्पज़ के लिए अगर सी एफ एल्स और एल ई डी का यूज किया जाए तो कहीं ना कहीं एनर्जी क्राइसिस जो है वो भी कम हो जाएगा और सबसे ज्यादा एनर्जी के लिए जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगा ऑल्सो बाइंग फाइव स्टार रेटिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स विच कंज्यूम लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसे इलेक्ट्रिकल अपलाइंसेस लेकर आना है जिसको फाइव स्टार रेटिंग जो है वो मिली होगी ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पन जो है वो क्या कर सके कम कर सके नेक्स्ट इट इज टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस ऑन क्लाइमेट चेंज अब बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में जो जागरूकता है लोगों के अंदर वो हमको स्प्रेड करनी है बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज शुड अडोप्ट अमन स्टैंड ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए अंडर डेवलप कंट्रीज़ का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए किस चीज़ के अंदर डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज तीनों का ही पार्टिसिपेशन जरूरी है क्लाइमेट चेंज को लेकर एक अवेयरनेस क्रिएट करने की दे शुड फोकस ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस अमीशन्स तो जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस है जिसकी अमीशंस की वजह से जो बाहर इन्वायरमेंट में स्प्रेड होने की वजह से कई सारे मतलब हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है तो हमको ट्राई करना है कि ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस किया जाए ये इन ऑर्गेनाइजेशन ये इन कंट्रीज का ये इन नेशनस का डेवलप्ड एंड डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस का क्या होना चाहिए फोकस होना चाहिए थ्रू इफेक्टिव मैकेजम विथ करंट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ओवर कंजम्शन ऑफ रिसोर्सेज अब पॉपुलेशन की बढ़ती ग्रोथ और उसी के साथ साथ ओवर कंजम्पशन जो होता है रिसोर्सेज का कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के नॉट भी रूल्ड आउट अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है रिसोर्सेज का कंजम्पन बढ़ रहा है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हम फेस नहीं करने वाले हैं बेसिकली ये रीजनस है जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट फोकस ऑन एमीशन कट्स यानी कि दोनों ही कंट्री को किस चीज पे फोकस करना है एमिशंस जो हो रहे हैं जो पल्यूशन हम फैला रहे हैं उसको कट करना है बाई हाफ बाई ट्वेंटी फिफ्टी यानी कि ट्वेंटी फिफ्टी तक हमको क्या करना है इस एमिशंस को कम कर देना है जितने हम अभी फिलहाल पॉल्यूट कर रहे हैं नेक्स्ट है कंजर्वेशन एट इंडिविजुअल लेवल अब इंसान जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल नेशन लेवल पे हमने तो देख लिया इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल्स दैट इज़ अ गुड ऑ ऑप्शन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पैसे भी बचते हैं इंडिविजुअल वहीकल लेकर बाहर निकलते हैं तो पोल्यूशन भी ज्यादा होता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना हो सके उतना यूज़ करो कार स्पीड शुड भी फिफ्टी टू सिक्सटी किलोमीटर मेक श्योर आपकी कार की स्पीड जो है पचास से साठ किलोमीटर के बीच में ही हो प्रमोट यूज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी एट होम्स लाइक सोलार कुकर सोलार हीटर्स एंड सोलार सेल्स सो बेसिकली अगर पॉसिबल हो सके तो हम इन चीज़ों का क्या करें रिनिएबल एनर्जी जाइए तो इनका यूज करें रिप्लेस इन कैरलसेंट बल्बस विद सी एफ एल्स एंड एल ई डी बल्बस तो ये वो बल्ब होते हैं ट्रेडिशनल बल्ब हैं हमारे जो कि ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं और ये बल्बस हमारे लिमिटेड एनर्जी और वोटेज वो, वोल्टेज भी जो होता है इनका वो क्या होता है कम होता है तो बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों हमारा वो है रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से रिसोर्स का यूज़ किया जा सकता है और सस्टेनेबली डेवलप किया जा सकता है बेसिकली अब हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में द नेम सस्टेनेबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सस्टेनियर विच मीन्स टू होल्ड सस्टेनियर का मतलब होता है टू होल्ड होल्ड यानी कि पकड़ कर रखना रोक कर रखना स्टेन कैन ऑल्सो मीनस मेंटेन सस्टेन का मतलब मेंटेन हो सकता है सपोर्ट हो सकता है या इंडियोरेंस भी हो सकता है द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन नाइनटीन सेवेंटी टू इन यूनाइटेड नेशन स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस चली थी बच्चों यूनाइटेड नेशंस में स्टॉक एक जगह है जैसे मुंबई महाराष्ट्र इंडिया बोला जाता है या मुंबई इंडिया उसी तरीके से स्टॉक जो है वो एक जगह है यूनाइटेड नेशंस में जहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी नाइनटीन में ह्यूमन एनवायरमेंट के ऊपर देर आर मेनी डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके कई सारे अलग अलग डेफिनेशन जो है वो दिए हुए हैं बट द मोस्ट वाइडली रिकोगनाइज डेफिनेशन लेकिन सबसे ज्यादा जाना माना डेफिनेशन जो सिंप्लीफाई करके हमको बताता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है वो डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देर ओन नीड्स तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलता है वो डेवलपमेंट वो उद्धार की तरफ हम बढ़ रहे हैं हमारे नेशन के लिए जो प्रेजेंट हमारी नीड्स जो है अभी जो हमारी प्रेजेंट की वर्तमान की जो नीड्स है हमारी वो पूरी कर रहा है लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन है उनको किसी तरीके का नीड्स पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल जितने भी रिसोर्सेस है जैसे कि वाटर रिसोर्स की हम बात करते हैं अगर आज हम उसको वेस्ट किए बिना अगर आज हम उनको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी तो ये रिसोर्स प्रिजर्व रहेगा वरना अगर पानी खत्म हो गया अर्थ के ऊपर से तो फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी दैट वॉज द सिंपल एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन टू यू ऑल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द फॉलोइंग आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस अब कुछ ऐसी प्रैक्टिस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो यहाँ पर मैंशन की गई है ओके okay. पहली प्रैक्टिस है यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी यानी ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाए क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो क्या है बच्चों लिमिटलेस है मीनिंग वी हैव द स्टेबिलिटी टू एलिमिनेट डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस यानी कि हमारे पास क्या है वी हैव दी स्टेबिलिटी यानी कि हमने इनको बनाया है तो डिपेंडेंसी जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस के ऊपर कम कर सकते हैं बाय हार्नेसिंग पावर फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेस तो हम पावर जो है एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेस से ले सकते हैं लाइक यूजिंग सोलार एनर्जी सोलार एनर्जी का यूज कर सकते हैं जो सन से मिलती है विंड एनर्जी जहाँ पर हवाओं का तेज बहाव होता है वहाँ से हम विंड एनर्जी जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं इट विल रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस तो कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है बच्चों वो हमारे क्या वह नॉन रीनिबल एनर्जी सोर्सेस है तो रीनिबल एनर्जी सोर्सेस क्या है हमारे विंड एनर्जी सोलार एनर्जी तो हम इससे क्या कर सकते हैं बेसिकली इससे इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस कर सकते हैं तो क्या ही जरूरत है हमको सारे नेचुरल के कंजन करके उनके लिमिट को खत्म करने की नेक्स्ट है हमारा सॉइल कंजर्वेशन मेनी फार्मर्स एंड गार्डनर्स आर यूजिंग दिस मैथड एज केमिकल फ्री वे टू रिड्यूस डिजीजेज इन द सॉइल एंड इंक्रीज ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द क्रॉप्स तो कई सारे फार्मर्स और गार्डनर्स जो है वो सॉइल कंजर्व यानी कि सॉइल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जितना हो सके उतना ज़्यादा केमिकल फ्री तरीका अपना रहे ताकि क्या कर सके जो डिजीजे जो मिट्टी की क्वालिटी खराब हो जाती है कहीं ना कहीं ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वो सब यूज करने की वजह से अल्टीमेटली वो जमीन को बंजर होने से बचा रहे और सॉइल को भी क्या कर रहे हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वाटर कंजर्वेशन वाटर कंजर्वेशन इज क्रिटिकल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल दैट यूजेस लेस वाटर इन द होम सच एस शॉवर्स टॉयलेट्स वो डिश वॉश वॉशर्स एंड लॉन्ड्री सिस्टम तो पानी को कैसे बचाया जा सकता है बच्चों जो अननेसेसरी यूसेज है हम पानी का करते हैं शावर्स लगा लेते हैं घर में बहुत अच्छा उसी के साथ साथ हम लॉन्ड्री मशीन्स लेकर आते हैं डिश वॉशर लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो पानी का कंजम्पशन ज़्यादा करती है तो हम अगर इन चीज़ों को रोक लें तो हम कहीं ना कहीं पानी को सेव कर सकते हैं प्रिजर्व कर सकते हैं नेक्स्ट आता है हमारा सब्सटीट्यूशन यानी कि ऑल्टरनेट ऑप्शन यूज़ ऑफ सब्सिट्यूट ऑफ सर्टन रिसोर्स विच आर लिमिटेड इन नेचर यानि कि वो रिसोर्सेज जो लिमिटेड है नेचर में उसके बदले उनका सब्सटीट्यूट यूज करो सी तो है, है हमको कम करना है, हम जो, जो है हमको उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है लेकिन उसका यूज भी कम करना है और सिस्टमैटिकली और एफिशेंटली क्या करना है उसको यूज करना है मेन एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब तीन इंपॉर्टेंट

कुछ प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ करते हैं पेपर का यूज़ करते हैं कार्डबोर्ड का यूज़ करते हैं एंड एंड अप एज वेस्ट और जिसकी वजह से क्या होता है कचरा ज़्यादा जमा होता है ट्रैश जमा जमा होता है इन लेस पैकिंग विल लीड टू लेस अमाउंट ऑफ वेस्ट उसी तरीके से अगर हम पैकिंग के लिए जैसे कि इस प्रोडक्ट को पैक करना है तो मुझे उसके पैकेजिंग के लिए दस बार प्लास्टिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर प्लास्टिक का यूज़ किया कार्डबोर्ड का यूज़ किया पेपर का यूज़ किया मैंने तो ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है अगर इसका काम सिर्फ कार्डबोर्ड से बन सकता है तो क्यों मैं उसको ले प्लास्टिक और पेपर का यूज़ करूँ तो अननेसेसरी वेस्टेज जो है वो हमको अवॉइड करना है रिड्यूस करना है ऑल्सो टू अवॉइड यूजिंग डिस्पोजेबल आइटम्स लाइक कप्स ऐसे भी आइटम्स भले डिस्पोजेबल है तो क्या हुआ जैसे कि हम आ, पेपर कप्स में चाय पीते हैं राइट right? नैपकिन यूज करते हैं टिश्यूज यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी तो कचरा ही हम जमा करें तो अननेसेसरीली भले डिस्पोजेबल आइटम्स है इनका भी यूज जो है वो हमको क्या करना है अवॉइड करना है जैसे कप्स हो गए पेपर कप्स हो गए नैपकिन हो गए प्लेट्स हो गए विच जनरेट्स मोर वेस्ट एंड यूज मेटल प्लेट्स और ग्लासेस एक्सेट्रा की वजह से वेस्ट जो है वो ज्यादा होता है इसके लिए हमको अगर यूज ही करना है तो मेटल प्लेट्स यूज करो और ग्लासेस का यूज करो तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर वेस्ट को क्या करते हो बच्चों रिड्यूस करते हो नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमाइजिंग रीसाइकिलिंग वेस्ट मिनिमाइज करो और रिसाइकलिंग मैक्सिमाइज यानी कि ज्यादा करो रिसाइकिलिंग इज द रीप्रोसेसिंग ऑफ अनवॉन्टेड मटेरियल्स इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल पेपर प्लास्टिक ग्लास मेटल्स कैन बी रिसाइकल्ड इट इज़ important टू सेग्रीगेट द recyclable वेस्ट at सोर्स अच्छा अब बच्चों recycling क्या होता है समझ लो ये एक प्रोडक्ट है किसी तरीके से वेस्ट हो गया है इसको तोड़ मरोड़ के वापस से इससे कोई नया प्रोडक्ट बनाया जा सकता है तो वो होता है recycle, यानी वापस से इसका यूज़ जो है हमने किया अब जैसे कि पेपर्स कई बार ऐसे होते हैं ना हम भेल वाले के पास जाते हैं तो जो पेपर में हमको भील मिलती है तो बेसिकली वो वापस से रिसाइकिलिंग हो गया ना वापस से उस पेपर का इस्तेमाल हुआ ना किसी ने लिखे हुए नोट्स को किसी ने बुक को रद्दी में दे दिया होगा कहीं से न्यूज़पेपर वेस्ट में मिले तो उसने जाकर जा वहां से ले लिया और उसी के अंदर आपका जो है वो भेल भी है जो वो बेच रहा है तो ये क्या किया उसने रिसाइकिल किया तो पेपर्स जो है उसको रिसाइकल किया जा सकता है प्लास्टिक्स को रिसाइकल किया जा सकता है राइट right? जैसे कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं और प्लास्टिक के कंटेनर्स में खाना आता है तो डेफ़िनेटली हम फ्यूचर के लिए उन प्लास्टिक के कंटेनर्स को अपने पास सेव करके रखते हैं रिसाइकिल करें ना हम उसको वापस से री कर रहे हैं बेसिकली उसको दूसरे तरीके से यूज़ किया जा रहा है तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट रीसाइकलिंग का नेक्स्ट आता है हमारा मिनिमाइजिंग कार्बन फुटप्रिंट जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है कार्बन फुटप्रिंट को जैसे देखो बच्चों मैंने आपके लिए एक डायग्राम रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मिनिमाइज करना है कार्बन फुटप्रिंट को खाली मैक्सिमाइजिंग रिसाइकलिंग को ही ज्यादा बढ़ावा देना है मिनिमाइज जो होगा वो वेस्ट होगा और मिनिमाइज जो होगा वो कार्बन फुटप्रिंट होगा बेसिकली दिस मीन्स दैट दैर इज अ नीड टू मिनिमाइज दी कार्बन एमिशन मेनली कमिंग फ्रॉम द मैन मेड सोर्सेज लाइक इंडस्ट्रीज अब कार्बन का जो प्रोडक्शन होता है जो एटमॉस्फेयर में एमिशन होता है उसका किस वजह से होता है एक होता है इंडस्ट्रीज की वजह से और होता है व्हीकल्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कैन बी मिनिमाइज बाई ग्रोइंग मोर नंबर ऑफ ट्रीज अब कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को हम मिनिमाइज या कम कैसे कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा ट्रीज जो है वो प्लांट किया करो आप रेड्यूस डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन को कम कर दो भले आप ट्रीज को प्लांट कर रहे हो लेकिन डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों को ख़त्म करना भी बंद कर दो एंड यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस सोर्सेज ऑफ एनर्जी और इसी के साथ साथ हमको क्या करना है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का भी यूज़ करना है इस तरीके से बच्चों हम क्या कर सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ने से रोक सकते हैं तो एक्ट रिस्पॉन्सिबल एंड थिंक सस्टेनेबल सो विध दिस बच्चो थैंक यू वेरी मच दैट वी हैव कम्प्लीटेड आ चैप्टर टू ऑफ ई वी एस विच इज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुझे कई सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि मैम आप जो नोट्स दे रहे हैं वो नोट्स हम रेफर करेंगे तो इतने काफ़ी होंगे क्या बच्चों ये मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए नोट्स बनाए हैं अगर आपको लगता है क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो काफ़ी ज्यादा है तो क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से आपको जो है वो अपने आंसर्स लिखने हैं अगर आप चाहो तो इन आंसर्स को इलेबोरेट कर सकते हो बट एक रेफरेंस सोस ऑफ मटेरियल जो है वो मैंने आपको इन नोट्स में बनाकर दे दिया है अगर और भी कोई क्वेश्चन होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है स्टेट यून टू आर लेक्चर्स थैंक यू वेरी मच